छापा मारने की जरूरत कैसे की इतने बड़े पुलिस ऑफिसर? तू पुलिस वाला है तो क्या हुआ, तू जानता है मैं किसकी औलाद हूँ? मेरा बाप इधर का मिनिस्टर। तू चाहे किसकी भी औलाद हो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, वैसे भी इस शहर में मैं नया हूँ। भैंस के तबेले का सारा चारा यही खा जाता होगा, चारा घोटाला इसी ने किया होगा। इधर इधर सर, आपने किसी काम से बुलाया था क्या? किसी केस के लिए क्राउड चाहिए? क्राउड की जरूरत नेता को होती है, मुझे प्यार के मामले में हेल्प चाहिए। आपको मेरी हेल्प चाहिए? पुलिस ही सबकी हेल्प करेगी, तुम मेरी हेल्प नहीं कर सकता? करूंगा, पर आप प्यार कैसे? धोती कुर्ता पहनने वाला महात्मा प्यार कर सकता है, तो क्या खाकी वर्दी वाला प्यार नहीं कर सकता? चल दिखाता हूँ। वो वहाँ देख, वहाँ जो साड़ी में लिपटी हुई एक सफेद संगमरमर की मूर्ति दिख रही है ना, मैं उससे प्यार करता हूँ। क्या हुआ, गैस का प्रॉब्लम है क्या? सर, आम आदमी नाश्ते के बजाय पास्ता खाएगा तो पचेगा नहीं। ये पास्ता है? हाँ सर, हाई क्लास लड़कियों को पास्ता कहते हैं। इन लड़कियों के बारे में आप कुछ नहीं जानते, इनको पटाना बहुत मुश्किल होता है। पट भी गई तो इन्हें मेंटेन करना और मुश्किल होता है। स्टेप बाय स्टेप सुनो, सुबह सुबह वो आपको एक मिस कॉल देगी, फिर खुद की 10 फोटो खींचकर वो सेल्फी फेसबुक पर अपलोड करेगी। सेल्फी लाइक करके आप उसे फोन करेंगे तो वो फोन उठाएगी नहीं, आधे घंटे बाद वो आपको फिर मिस कॉल देगी। फिर आप उसे फोन करेंगे तो बात करने के बजाय वो आपको किसी लोकेशन पर मिलने के लिए बुलाएगी। खाली हाथ तो जाओगे नहीं, गिफ्ट तो देनी पड़ेगी। वो खुद वहाँ लेट आएगी, फिर घर का सामान बेचकर लोन लेकर आप एक बाइक खरीदोगे, लेकिन वो सेकंड हैंड बाइक उसे पसंद नहीं आएगी। वो कहेगी नहीं नहीं मुझे फैंसी बाइक चाहिए। आप अपनी एक किडनी बेचकर एक स्पोर्ट्स बाइक ले भी आते हैं तो भी स्पीड ब्रेकर पर वो आपकी कमर में हाथ नहीं डालेगी, बस कंधे पर हाथ रखेगी। वो कहेगी आईब्रोज करवाने हैं, ब्यूटी पार्लर ले जाओ। फिर बोनस में हेयर कलरिंग, स्विस फेशियल, फ्रेंच वैक्सिंग, इटालियन मैनिक्योर, जर्मन पेडिक्योर सब करवा लेगी। फिर बाहर आकर पहले कहेगी सॉरी लेट हो गया, फिर आपका क्रेडिट कार्ड मांगेगी और उसे स्वाइप करेगी। बिल देखकर आपका दिल धड़कना बंद कर देगा। फिर कहेगी आपके लिए गिफ्ट लेना है, इसीलिए आपको मॉल ले जाने के बहाने खुद के लिए पार्टी वेयर, कैजुअल वेयर, एथनिक वेयर, ऑफिस वेयर, यहाँ तक इनर वेयर खरीदेगी। आपको कुछ नहीं मिलेगा, आपके पूरे एक साल की सैलरी वो एक ही दिन में उड़ा देगी। फिर आपको पिक्चर दिखाने के बहाने कॉर्नर सीट पर बिठाकर कंधे से कंधा रगड़ेगी। आप भी हिम्मत करके हाथ रख देंगे, कहेगी नॉट इन पब्लिक, मुझे शर्म आती है। फिल्म के बाद उसे भूख लगेगी, वो शहर के सबसे महंगे रेस्टोरेंट में आपको ले जाकर सब कुछ मंगा लेगी। फिर दो पीस खाकर बाकी खाना पैक करा के खुद के घर ले जाएगी। ओह माय गॉड, आप कहेंगे चलो दिन तो खत्म हो गया, लेकिन दिन के एंड में एक ट्विस्ट है और इस ट्विस्ट का नाम है डिस्कोथेक। इस भयानक जगह में आप उसे लेकर जाएंगे तो कहीं से हैंडसम आदमी आएगा और वो सीधा आपकी गर्लफ्रेंड के पास आकर कहेगा हाय हनी कम लेट्स गो फॉर अ डांस। पिकअप तो आपने किया था पर ड्रॉप कोई और करेगा, रिचार्ज आप करेंगे, चैटिंग किसी और से करेगी तो क्या फायदा? हाई क्लास लड़की से प्यार करना ही क्यों? अच्छा मतलब तुम मुझे प्यार करने से मना कर रहे हो ना? ओके, तुम्हें जो लड़की सूट करेगी वो मुझे करेगी। सर, हमारे लिए सीधी सादी घरेलू लक्ष्मी चाहिए, दिखने में सुंदर, अच्छी खासी संस्कारी, जो हमारी जिंदगी को सुख और शांति से भर दे। सर, हाई क्लास लड़कियों की हाई मेंटेनेंस कॉस्ट के बारे में बताकर तुमने मेरी आंख खोल दी। करेक्ट सर, मुझे पास्ता नहीं खाना चाहिए, मुझे तो 24 कैरेट शुद्ध देसी स्टाइल की लड़की जमेगी। आज से उस हाई फाई को टाटा बाय बाय। अबे जल्दी सामान उतार। साहब जी, जैसा आपने कहा था ना, मेरी बीवी भाग तो गई थी, लेकिन एक ही हफ्ते में धोबी के घर से लौट आई। लौट आई ना? अच्छा, एक हफ्ते में ही तेरी बीवी धोबी के पास से भाग के चली आई ना, इसका मतलब वो घोंचू तुझसे भी गया गुजरा होगा। इनकी भविष्यवाणी करेक्ट और तेरी बीवी कैरेक्टर लेस है, शायद तो जानता नहीं इस झिंगुर की भविष्यवाणी एक आग से कहानी है। सर, आप मुझे चाहे जो भी बोल लो, अभी झिंगुर तो बोला लेकिन ज्योतिष विद्या सही है, सब उसी से तय होता है। इधर आ, तुझे अपनी बेकार बेमतलब भविष्यवाणी पर इतना भरोसा है ना? तूने मुझे क्या बोला था? क्या बोला था? अगले 10 दिन मेरे लिए बुरे हैं, इसलिए 20 दिन की छुट्टी लेनी चाहिए। अभी भी यही कह रहा हूँ, आपकी कुंडली में शनि की दशा है, अगले 10 दिन आपको भारी पड़ने वाले हैं। भारी नहीं, चाय के साथ खा रही है, प्रमोशन होने वाला है। कमिश्नर के टेबल पर मेरा प्रमोशन लेटर पड़ा है, मैं असिस्टेंट कमिश्नर बनूंगा। मेरी बात मानिए सर, अभी मंदिर में जाकर 10 रत्न चढ़ाइए, शनि का प्रकोप दूर हो जाएगा। प्रकोप से सड़क छाप डरपोक डरते हैं, मैं नहीं डरता। सर पछताएंगे। अबे दड़ियल, कार में एसी की हवा खा रहा है क्या? सर गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही है। गाड़ी का मुंह खोल, अब किक मार के देख। सर थैंक यू सर। तेरी तो साइकिल चलाने वाली औकात भी नहीं लगती, ये खटारा गाड़ी किसकी है? चोरी की है क्या? मेरी है सर। गाड़ी का नंबर बता। 0006। ठीक है, गेट आउट। नहीं मिलेगा सर। सर आपने नंबर प्लेट देखी क्या? उसने गलत नंबर बताया। चिरकुट कहीं का, अपने गाड़ी का नंबर भी याद नहीं रख सकता। सर, गुड मॉर्निंग सर। तुमने यहाँ से किसी को रेड चेक शर्ट में जाते हुए देखा? उसकी गाड़ी चालू करके मैंने उसे यहाँ से भेजा। अरे वो एक खतरनाक इंटरनेशनल टेररिस्ट है, तुमने उसकी मदद की? तुम्हें अकल नहीं है क्या? आप में अकल नहीं है क्या? What? सर सॉरी सर, सरकार ने आपको रेडियो गाने सुनने के लिए नहीं दिया, मुझे मैसेज मिलता तो मैं उसे पकड़ता ना। टॉम एंड जेरी कार्टून की तरह उसका पीछा कर रहे हो। ये 6 महीने से चल रहा सीक्रेट ऑपरेशन है। हार्ट का ऑपरेशन डॉक्टर 30 मिनट में करता है, आपको एक ऑपरेशन करने में 6 महीने कैसे लग गए? तुम्हें देख लूंगा, चलो जल्दी। सर आपने देख लिया ना सर, मेरी भविष्यवाणी सच निकली, शनि आपकी बगल में आकर बैठ गया है। सोमवार को डियो मार के शनि को भगा दूंगा। हाँ छोड़, पहले तो मैं दड़ियल आतंकवादी को पकड़ूंगा, कमिश्नर साहब को सौंपूंगा और वो मुझे एसीपी के बजाय डीसीपी बना देंगे। तो चुपचाप गाड़ी में सर, सर, लेकिन जाना तो उस तरफ है ना? अरे काले सांड, शॉर्टकट मारेंगे, कट टू कट पहुंचेंगे। सर थोड़ा धीरे चलाइए ना सर, मुझे चक्कर आ रहे हैं। छोटे मोटे चक्कर से कुछ नहीं होगा, आज मैं दही शक्कर खा गया।
सर टेररिस्ट का गेम ओवर होता अगर कवर नहीं होता। आपको तो चोट लग गई, आप क्या पिकनिक पर जा रहे थे जो आगे बैठे थे? आपको तो पीछे बैठना चाहिए, कमिश्नर है ना? टेररिस्ट का पीछा करने के लिए किसने कहा था? सर मैं पुलिस वाला हूँ और इंटरनेशनल अपराधी को पकड़ना मेरा फर्ज बनता है, तभी तो आप मुझे डबल प्रमोशन देंगे ना? डबल प्रमोशन नहीं, डबल डिमोशन दूंगा। आज से तू इंस्पेक्टर नहीं हवालदार होगा। सर हम किसके घर के सामने चौकीदारी कर रहे हैं, चलो ना। दिमाग में गोबर भरा है, ये मेरी सेटिंग है। आपकी सेटिंग है? हाँ। आप खुद 100 ग्राम के और सेटिंग 100 किलो की। अबे गोबर सिंह ये मेरी नहीं, उस टेररिस्ट की आइटम है। वो हर महीने इससे मिलने के लिए आज के दिन यहाँ आता है, आज आएगा तो पकड़ लेंगे। अगर वो इसे मिलने नहीं आया तो आप इसे गोद ले लीजिए, उसकी आइटम है और मेरी गोद पहले से ही हरी भरी है। तो कायदे से आपको इन दोनों की शादी करवानी चाहिए। मैं पंडित नहीं कमिश्नर हूँ। ये चारा है उस मछली को जाल में फांसने के लिए, वो यहाँ आएगा तुम उसे गोली मारोगे और मेडल मैं ले जाऊंगा ढक। सुपर आइडिया सर, लेकिन मेरा आइडिया सुपर से भी ऊपर। 3 गुंडे जेल में, डेंजर दिनेश, चौकन्ना चंदू और आलसी एंडी, तीनों को छोड़ देंगे, सब पार्टी करेंगे, तब दड़ियल को दबोच लेंगे। ए, मैं क्या तुम्हें गधा नजर आता हूँ? नहीं, इस वर्दी में तो आप बड़ी चोंच वाले उल्लू दिखाई दे रहे हैं। अरे वो कौन सा मनहूस दिन था जब तुम्हें डिपार्टमेंट में भर्ती किया? तारीख तो याद नहीं, लेकिन उस दिन आपने अपनी बर्थडे केक खिलाई। जले हुए आलू, तूने बोला था ना मेरा टाइम खराब चल रहा है, अब देखते जा, मुझे मेरा डबल प्रमोशन मिल के रहेगा। कार अपने आप कैसे चल रही थी? सर सॉरी सर, निशाना मेरा गाड़ी का पिछवाड़ा था, आपका पिछवाड़ा नहीं। सर कसूर आपके पिछवाड़े का है, ना मांस है ना मसल है, कल सुबह जोर लगा ना गोली फुदक के निकल जाएगी। एक तो मेरा आसन भ्रष्ट कर दिया, ऊपर से पंच मार रहा है। यू आर सस्पेंड कर दिया। ये खतरनाक हथियार हमने इसे बरामद किए हैं। 6 महीने दिन रात मेहनत करके हमने इस खूंखार इंटरनेशनल टेररिस्ट को पकड़ा है। अगर थोड़ी सी भी देरी हो जाती तो पूरी ऊटी तबाह हो जाती। तो ठीक है सर, लेकिन आप ड्यूटी पर लुंगी में क्यों आए हैं? ये सिंपल लुंगी नहीं, बड़े बड़ों की पुंगी बजाती है। 1 मिनट, एक्चुअली टेररिस्ट इसकी वजह से पकड़ा गया। सर इन्होंने ऐसा क्या किया? कुछ भी नहीं किया, तभी तो पकड़ा गया। पिछली बार की तरह कुछ करता तो ये टेररिस्ट फिर से भाग जाता। क्यों बेटा सस्पेंशन लेटर लिया? अब अगले 1 महीने के लिए वर्दी नहीं पहन पाओगे। मैं तो सिर्फ वर्दी नहीं पहन पाऊंगा ना, आप अगले 3 महीने पैंट तो क्या, आप चड्डी भी नहीं पहन पाएंगे, लुंगी में घूमना पड़ेगा। सर जी, पहले 2 बार तो मैं तुम्हारी वजह से बाल बाल बच गया था, तीसरी बार कहाँ रह गए थे मेरे दोस्त? तेरी वजह से मैं सस्पेंड हो गया, वरना तेरी दाढ़ी के बाल मैं चुन चुन के निकालता। तुझे शर्म आनी चाहिए, इस बास के बम्बू ने तुझे पकड़ लिया, इसकी तो हड्डियां भी तालियां बजाती है। आया बड़ा आतंकवादी। अरे कम से कम पब्लिक में तुम्हारा नाम इज्जत से लिया कर, आफ्टर ऑल आई एम कमिश्नर। कार्टून सीरियल में भी आपको कोई रोल नहीं देगा और अपने आपको कमिश्नर बोल रहे हैं। हाँ सेल्फी ले ले रहे। अभी भी देर नहीं हुई है सर, शनि देव के सामने 10 रत्न तेल चढ़ा दीजिए, फिर शनि का प्रकोप दूर हो जाएगा। ठीक है, फिर करने की जरूरत नहीं है, पहले मैं अपना प्रमोशन हासिल करूंगा, उसके बाद कमिश्नर को तमाचा मारूंगा। माचिस दे आग लगानी है। भगवान जी नमस्ते, ना शरीर पर वर्दी है ना जेब में चिल्लर, इसलिए आपसे भीख मांगने आया हूँ। अगर आपने मुझे ACP या DCP बना दिया तो मैं आपके लिए देसी घी के दिए। बीड़ी में से धुआं तो निकलता है, लेकिन धुएं में से बीड़ी पहली बार निकल रही है। कमिश्नर सर, तू धुआं क्यों लगाई? सस्पेंशन ऑर्डर कैंसिल करवाने के लिए आग लगाई। पगले चली सी वक्त कैंसिल हो गई। अच्छा तो मैं कल आके ड्यूटी ज्वाइन कर लेता हूँ। क्यों नहीं, जो चाहे कर ले बेटा। हाँ। तुमने उस टेररिस्ट की फिर से भागने में मदद की, इसलिए मैं तुम्हें अभी इसी वक्त डिसमिस करता हूँ। डिसमिस कर दिया। पैसे से बंगला तो नहीं बांध पाऊंगा, चाय पीऊंगा। बड़ी मुश्किल से तुमको ये नौकरी दिलवाई है, कोई बेवकूफी करके मेरा नाम खराब मत कर। ECP बनने वाला था, सीधा दरबान बना दिया। चिंता मत करो, ये हफ्ता खत्म होते ही तुम्हारा बैड लक खत्म और अच्छे दिन शुरू। मैं अच्छी तरह जानता हूँ मेरे बुरे दिन कब खत्म होंगे। कब होंगे? जब तू यहाँ से जाएगा तब। अरे निकल, लड़िया में डाल, निकल नहीं तो। बाय, आई विल कॉल यू। हां ए माया, एक सेकंड रुको, मुझे जाने दो। यहां ना सर, आप
क्या? पता होता कि मैं हूँ तो 10 के बजाय 100 देता ना। बहुत बुरा हुआ सर, आपकी ये हालत मुझसे देखी नहीं जाती। ये कपड़े उतारिए और चलिए मेरे साथ। कपड़े उतार के नंगा हूँ क्या? क्यों मजाक कर रहे हैं सर? मजाक कर रहा हूँ? मजाक तो तूने मेरा उड़ाया है। तूने मुझे उस पास्ता से दूर रहने के लिए भाषण दिया, अब खुद ही नाश्ते में पास्ता खा रहा है। सर हमारे हाथ में कुछ नहीं है, ये तो किस्मत है। किस्मत ने सब कुछ करवाया है सर। किस्मत ने तेरे गले पे चाकू रख के करवाया? झूठ बोल रहा है। झूठ नहीं कह रहा, सच है सर। उस दिन मैं अपने गार्डन में खड़ा था और तब मुझे वो नजर आई। यहाँ तो बारिश हो रही है, किस्मत कहाँ से आई? ये तो किस्मत ही है ना सर। बारिश एग्जैक्टली 8 बजे आई, पहले या बाद में आ सकती थी, लेकिन नहीं, एग्जैक्टली तब आई जब वो जॉगिंग करते करते बिल्कुल मेरे घर के सामने थी। इसकी जानकारी तो मौसम विभाग के पास ही होगी। कंटिन्यू। हेलो, I'm संजय। इस बेवक्त की बारिश ने जॉगिंग का शेड्यूल खराब कर दिया। जॉगिंग करने के लिए नंगे पैर गए थे? ये तो एक्यूप्रेशर जॉगिंग है। पैरों में पत्थर चुभते हैं तो मसल्स और स्ट्रॉन्ग होते हैं। क्यों ना इस घर में चले? हेलो, घर खुला हुआ है तो क्या अंदर चले जाएंगे? पता नहीं किसका घर हो। जिसका भी हो हमारी मदद तो करेगा ही ना। बहुत बारिश हो रही है, चलिए ना। नहीं नहीं, मैं घर जा रही हूं। रुको एक सेकंड, एक सेकंड। अब चलो। अरे भाई गीली हो जाएगी, ओनर देखेगा तो मारेगा। कोई बात नहीं, बाइक ही तो है, गीली होगी तो गल नहीं जाएगी। आजा आजा, चलो चलो। पहले कभी तुम्हें ऊटी में नहीं देखा? मैं प्रोजेक्ट के लिए आई हूँ, बॉटनी स्टूडेंट हूँ। मेरा नाम माया है। संजय, बाइक का कवर लेके कहाँ जा रहे हो? माँ, लॉन में पानी देते वक्त तुम्हारी बाइक के कवर पर एक पानी की बूंद भी गिर जाए तो सारा घर सर पर उठा लेते हो। अब कवर लेकर घूम रहे हो तो तुम्हारी बाइक नहीं गीली हो रही? वैसे ये लड़की कौन है? फ्रेंड है माँ। फ्रेंड है तो इसे घर पर लेकर जाना चाहिए था ना, इस तरह बारिश में घूमने का क्या मतलब है? जल्दी से घर आ जाओ। इसे छोड़ के आता हूँ माँ। फ्रेंड हूँ, अगर नहीं हो तो बन जाओगी ना, और बाद में पहले फ्रेंड तो बन जाओ ना। भीगोगी तो बीमार पड़ जाओगी। बारिश बंद हो चुकी है,